हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं मटका कुल्फी, वो भी सिर्फ 2 कप मिल्क से बनाएंगे हम, और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको आज बनाने के लिए मटका कुल्फी। और अभी मैंगो का सीजन है, तो क्यों ना आज मटका कुल्फी बनाया जाए, मैंगो कुल्फी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी हर वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, गर्मियों में आइसक्रीम खाना किसे नहीं पसंद है, बहुत से लोगों को तो ठंड में भी खाना आइसक्रीम बेहद ज्यादा पसंद होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए 2 आम, उसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हमें इन्हें काटना है, काट के जो इसके अंदर वाला जो गूदा होता है वो सभी हमें निकाल लेना है इस तरीके से। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं इस तरीके से हम सारे आम, दोनों आम को छील के निकाल लेंगे। इसके बाद हमें इसका आम का बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, तो मिक्सी जार में आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है मैंगो का। तो अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 कप हम मिल्क ऐड करेंगे। फ्रेंड, आप ठंडा गर्म कोई भी दूध ले सकते हैं, क्योंकि दूध को गर्म ही करना है इसमें। तो मैंने यहाँ पे फुल क्रीम अमूल का 2 कप मिल्क ले रही हूँ। इसके बाद हम दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। दूध को हम यहाँ पे गाढ़ा कर लेंगे। लगभग 50% दूध जब हमारा बच जाएगा, 2 कप हमने दूध लिया, तो जब हमारा दूध 1 कप बचेगा, तब हमें इसमें मैंगो वो ऐड करना है। तो इस तरीके से हमें चलाते हुए दूध को गाढ़ा करना है, और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बीच बीच में मीडियम और हाई करते रहेंगे, इस तरीके से चलाते रहेंगे। फ्रेंड, आप इस आइसक्रीम को बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और सभी लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि अभी मैंगो का भी सीजन है तो आप, और गर्मियां हैं, तो आप इस कुल्फी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्वाद अनुसार शुगर ऐड कर रहे हैं, चीनी। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, जो हरी इलायची होती है छोटी, उसका पाउडर ऐड करेंगे हम यहाँ पे, इसे मिक्स कर देंगे। फ्रेंड, यहाँ पे हम केसर का यूज़ करेंगे, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केसर ऐड कर रही हूँ, इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड, दूध हमारा अब एक लगभग 50% गाढ़ा हो चुका है। इसके बाद जो हमने आम का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे मैंगो का, और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे आम डालते के साथ ही, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसे एक बार और मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा हमारा ये। और ठंडा होने के बाद हम इनको जिन बर्तन में हम इन्हें जमाएंगे कुल्हड़ में, उसके अंदर हम इसे रखेंगे। तो ठंडा होने के बाद ही हमें इनमें ऐड करना है, इस तरीके से हम इसमें सब में फिल कर देंगे। आइसक्रीम खाना किस चीज़ को पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप चाहे तो इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर से आप। फ्रेंड, देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा ये मटका कुल्फी बनके रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और केसर ऐड करेंगे थोड़ा, तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बारीक कटे हो, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है तो। इस तरीके से हम ऊपर से ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे ढककर, और 8 से 6 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रखेंगे।
देख सकते हैं। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रेंड फ्रिज में रखने से पहले हम इसे ढक के रखना है, इस तरीके से नहीं रखना है। तो अगर आपके पास इस तरीके का कैप है तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप फॉइल पेपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास फॉइल पेपर भी नहीं है तो आप किसी प्लेट से इसे ढक के अच्छे से आप इसे रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो फ्रेंड चलिए अब मस्त आठ घंटे बाद हम इसे निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारी ये मटका कुल्फी बनके तैयार हुई है नहीं हुई है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनके रेडी हो चुका है हमारा ये मटका मैंगो कुल्फी और कलर भी काफी अच्छा आया इसका एकदम। फ्रेंड देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है हमारा ये मटका कुल्फी बनके रेडी है खाने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खाओ पियो मजे करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।